तो दोस्तों हम आ गए एक और नई ब्रांड न्यू पबजी वीडियो लेके। इसमें मैं डोमिनेशन खेल रहा हूँ और अभी देखना भी M416 का कैसा जलवा होता है पूरे गेम में, कैसे M416 अपना डोमिनेशन दिखाती है। और हाँ, हम ये मैच है ना, पहले हारा ऐसा ही लगता था कि ये मैच हम हार जाएंगे, लेकिन फिर मैंने M416 का डोमिनेशन दिखाया और ये मैच जीत गए। अभी आगे देखना M416 का स्प्रे, देखना आपको मजा आएगा। ये देखो ये दोनों बंदे एक स्प्रे में आ गए, लेकिन अब मेरे प्रो टीममेट क्या कमाल दिखाएंगे वो देख लेना, नहीं तो घुस के मारने गए। लेकिन देखो यही प्रॉब्लम है रैंडम्स का। अभी देखो आपको दिख ही रहा है कि हमारा 0% है और सामने वाली टीम का 95% तक हो गया है, इसलिए ये पहला बेस तो हम हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन फिर हम जो अगले दो बेस में वापसी करेंगे वो देखने लायक होगी, जरूर देखना। और ऐसा नहीं है कि M416 क्लोज इन मची नहीं चलती, आपको सिर्फ अपना एम है ना वो हेड पे कनेक्ट करना है, इसलिए बहुत जोरदार चलेगी M416। ये गॉड गन है, गॉड गन देखा, इसका रिकॉइल कंट्रोल होता है ना, वही सबसे मेरे लिए अच्छी बात है। बाकी AKM ग्रोज M762 सारा रिकॉइल ही कंट्रोल। अरे देखो हेड मार दिया, पीछे से मारने में तो अलग ही मजा है। देखो अभी क्लोज रेंज में देखा मैंने अपना एम हेड पे ही रखा, भले हेडशॉट लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो कनेक्ट हो गया था, ऐसी है हमारी गोल। अरे यार पीछे से सारे मार जाते हैं चूंकि है। देखो अगर इधर एक को टपका दिए, इसको भी टपकाने वाला था। अरे यार AWM भाई उसका तो क्या कहना, फिर भी मैंने फिर से बदला लेने तो आया ही भाई, ऐसे कैसे चलेगा M416 में। देखना अभी देखना यार उसका AKM का हेड कनेक्ट हो गया, AKM का हेड बहुत पावरफुल है, सिर्फ दो गोली लगती है ना कोई भी हेलमेट हो ना खत्म। तो भी मैं हार नहीं मानूंगा, देखो इसको पीछे से मारा, अभी ये मुझे गली दे रहा होगा, लेकिन देखो इस पर एक ही बार मैंने ग्रोजर चलाई है वो भी ऐसे लालच में आ गया, बाकी मैंने M416 से ही सारे किल किए क्योंकि उसका ही रिकॉल मेरे से कंट्रोल होता है, बाकी गन का मेरा तो काम नहीं है, आपका हो तो बोलो। अरे यार दूसरी बार रेंडम ने मुझे मारा नेट से, अभी देखना भी एक्सप्रे में दोनों आ जाएंगे, वो भी आयरन साइट में। एक M416 का ये है कि वो सारे अटैचमेंट्स उसके चाहिए तभी वो है ना ऐसे कंट्रोल में आती है, वरना तो नहीं है, वरना हो जाती है कंट्रोल, लेकिन थोड़ा वो हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात नहीं हम ये मैच जीतेंगे। देखो अभी धीरे धीरे डोमिनेशन दिखा रहे हैं, अभी देखो इसको मैं ना घुस के मारूंगा क्योंकि उसको मैंने लॉक कर दिया था। अभी इधर देखना लिटरली मैंने उसको ये 5 HP पे मारा है, बहुत बढ़िया मारा, देखना उसको मेरे को ऐसा फुटस्टेप आवाज आ गया था। देखो पहले उसको मारा फिर इसको मारा, मेरा एम है ना चौक हो गया, एम आर सी स्टोन रहता ना, फिर भी इसको। अरे देखा बाकी आप बोलो क्या है, आप सब मजे में ना। अभी मेरे को पूरा दिन एक ही टेंशन हो रहा है कि ये पबजी बैन ना हो जाए, सारे चाइनीज अब बैन हुए तो भगवान से दुआ करो ना पबजी बैन ना हो, तो क्या है हमारा ऐसा इंजॉयमेंट होता रहे। देखो फिर से साइड से मार गया और ये मेरा 34th किल, अब तो सिर्फ टाइम पास ही है, आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कैसे विक्ट्री आई, फिर आप सब करोगे इसके। अच्छा मैंने स्पीड में कर दिया है इसलिए आप देख लो कि विक्ट्री कैसे आई। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। तो देखा आपने हम कैसे हार गए थे पहला बेस, फिर भी दोनों बेस जीत लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आओ जो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।